हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया एंड वेलकम टू जीनियस अप्रोच। यहाँ मेरे बारे में छोटे से इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसे चाहो तो आप देख सकते हो। और यहाँ रही मेरे चैनल के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, तो इन्हें ज़रूर देखें। एंड हेयर आर द बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्राइबिंग माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 3, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आज हम क्या पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो पिछले लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन डिस्कशन किए थे प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर थे, जो कि परफेक्ट स्क्वायर थे, उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके जरूर क्वेश्चंस को देख लें। आज के हम प्लेलिस्ट में देखेंगे कि हम कैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट का अप्लाई करते हैं और कैसे हम स्क्वायर फाइंड करते हैं रेशनल नंबर्स का एंड डेसिमल नंबर्स का। ओके, तो आज के टॉपिक में हम यही चीज़ डीपली पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नाम से आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा। अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है तो आप इस ट्रिपलेट के जो कंसेप्ट है इसको बहुत ही इजीली समझ सकेंगे। जैसे पाइथागोरस जो थ्योरम है उसमें आपने क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसे ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसे नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। तो आपको पता है यहाँ पे ये जो आपका लॉन्गेस्ट साइड होता है जो कि एसी होता है, इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और ये जो आपका होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। एंड ये जो बीसी है इसे हम कहते हैं क्या, बेस, ठीक है। ये आपका मेन कंसेप्ट है, इसी की बेसिस पे आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट चलेगा। जो जिसमें कि आपको पता है अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो आपका लॉन्गेस्ट साइड होता है, जैसे यहाँ पे आपको पता है आपका एसी लॉन्गेस्ट साइड है, तो एसी का जो स्क्वायर होता है वो आपका दोनों साइड के स्क्वायर के सम होता है, दैट इज ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। यही आपका पाइथागोरस क्या होता है, थ्योरम होता है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी कुछ ऐसा ही होता है। इससे हम समझते हैं पहले, अ ग्रुप ऑफ थ्री नंबर्स या थ्री नंबर्स का ग्रुप होता है सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू स्मॉलर नंबर्स, ध्यान दीजिएगा, टू स्मॉलर नंबर्स is equal to the square of the largest number is called a Pythagorean triplet। इसका मतलब क्या हुआ कि जो थ्री नंबर्स का ग्रुप होता है उसमें जो सम होता है, देखिए सम होता है टू स्मॉलर नंबर का। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों जो नंबर्स आपके होंगे ये स्मॉलर होंगे, ठीक है। ये मैं आपको थ्योरम लिख के समझा रही हूँ, अभी आपको नंबर्स लिख के काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो उसमें क्या होता है, जो लार्जेस्ट नंबर होता है उसका जो स्क्वायर होगा उसका इक्वल टू होता है जो बहुत जो स्मॉलर नंबर होते हैं उसके स्क्वायर के सम, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं अ ट्रिपलेट ऑफ थ्री नंबर्स m n एंड p इज कॉल्ड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर वेयर p इज द लार्जेस्ट नंबर। तो इसमें आप समझ रहे होंगे, आपने क्या बताया, देखिए जब आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, p स्क्वायर के, जहां पे जो आपका p है वो लार्जेस्ट नंबर होगा। तो अभी हमने यही तो चीज पढ़ी है ऊपर कि जो सम होगा स्मॉलर नंबर का, देखिए दो स्मॉल नंबर है इनके स्क्वायर का जो सम होगा वो इक्वल टू होगा किसके, जो स्क्वायर होगा लार्जेस्ट नंबर के। तो आपका पी कैसा है, पी एक लार्जेस्ट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ले लू, मान लीजिए 3, 4, 5 है, ऐसे हमने तीन नंबर्स लिए, तो इसमें आपको लार्जेस्ट कौन सा दिख रहा है, इसमें नॉर्मल से बात है आपको 5 लार्जेस्ट दिख रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि जो 5 का स्क्वायर आएगा, 5 का जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, देखिए 25 आएगा। अब क्या करूं मैं, देखिए 5 का जो स्क्वायर है वो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होना चाहिए, मतलब आपका m मान लीजिए ये है और n मान लीजिए ये है, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आपका कितना आ गया इसमें, 9 प्लस 16। अगर आप इसे सम करोगे तो देखिए आपको कितना मिल गया, 25। इट मीन्स आप देख सकते हैं कि आपका एल एच एस में भी 25 आया क्योंकि आपने करा 5 का स्क्वायर, और आपका एल एच एस में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर भी 25 आया। तो इस अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट वही नंबर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, वही नंबर्स होते हैं जिनकी ऐसा जब आप इसमें सेट करते हो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, तो उसमें ये आपको इक्वल दिखे, मतलब ये उसमें सेट हो सके, उसी नंबर्स को कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे की ओर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को और समझते हैं। यस, फॉर एनी नेचुरल नंबर, अगर कोई भी आपका नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन 1, ठीक है, आपका कोई भी नेचुरल नंबर n है जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो उसके लिए 2n
कॉमा एन स्क्वायर माइनस वन कॉमा एन स्क्वायर प्लस वन फॉर्म्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, समझिएगा। जैसे आपका अगर कोई भी नंबर है वन इज ग्रेटर देन एन, मतलब आपका कोई भी नंबर एन है जो कि ग्रेटर होगा वन से, तो ये तीन कंडीशन है पाइथागोरियन ट्रिपल्स की, मतलब जो तीन नंबर्स हैं यही तीनों नंबर्स आपके फॉर्म करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपल। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया इफ एन इज इक्वल टू, मैंने ले लिया मान लीजिए टू, ठीक है, मैंने एन की वैल्यू यहाँ पे टू ले ली, तो इस अकॉर्डिंग आपने देखा ना यही नंबर्स आपके फॉर्म करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो मान लीजिए मेरा पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है, क्योंकि ये थ्री नंबर्स ही तो फॉर्म करते हैं, थ्री नंबर्स का ग्रुप होता है। तो जब आपको फर्स्ट नंबर निकालना है तो आप क्या करोगे, टू एन है पहला नंबर, तो क्या कर दोगे आप, टू मल्टीप्लाई टू, मैंने एन की जगह टू रख दिया, तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया, फोर। अगेन अब हम सेकेंड नंबर निकालते हैं जो कि होगा एन स्क्वायर माइनस वन। अब मैं क्या करूँ, अब देखिए, अब आप एन की जगह टू रखिए, तो देखिए टू का स्क्वायर माइनस वन, आपको क्या मिल गया, फोर माइनस वन इट मीन्स थ्री। अब अगेन हम नेक्स्ट में मूव करते हैं, वो है आपका एन स्क्वायर प्लस वन, तो क्या आ जाएगा, ये देखिए टू का स्क्वायर प्लस वन, आपको क्या मिल गया, फोर प्लस वन इट मीन्स फाइव। तो आपने क्या देखा, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे आपको थ्री नंबर्स मिले, कौन से, फर्स्ट मिला इसके थ्रू आपको फोर, ठीक है, सेकंड नंबर आपको मिला इसके थ्रू थ्री, और थर्ड नंबर आपको मिला फाइव। तो आप कह सकते हो कि ये तीनों नंबर आपके फॉर्म करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, ये तीनों नंबर्स आपके फॉर्म करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्योंकि ये आपके इससे आए हैं, टू एन एन स्क्वायर माइनस वन और एन स्क्वायर प्लस वन। अगर आपको ये एकदम आपको प्रूविंग करना है तो आप क्या कर सकते हो, अभी आपने देखा ना जो लॉन्गेस्ट साइड होगा, जो लॉन्गेस्ट साइड होगा मतलब फाइव है, देख रहे ना आप, लॉन्गेस्ट नंबर आपका कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर फाइव है, तो आपने इसका कर दिया स्क्वायरिंग, तो क्या आ जाएगा, ट्वेंटी फाइव। अभी हमने क्या देखा था कि जो लार्जेस्ट नंबर आपका होगा, ये जो नंबर होगा इसका स्क्वायर जो आएगा, और जो स्मॉलर नंबर दोनों होंगे, अगर हम इन दोनों नंबर का स्क्वायरिंग करेंगे, जो स्मॉलर नंबर होंगे, तो फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर कितना आ गया, सिक्सटीन प्लस नाइन कितना मिल गया आपको, अगेन ट्वेंटी फाइव। तो आप देख सकते हैं ना ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो मीन्स ये आपका कंडीशन कौन सा हो गया सेटिस्फाई, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, वेयर पी इज द ग्रेटर नंबर। ठीक है, देखिए पी आपका लार्जर भी है, ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आपको कभी भी कोई एक नंबर गिवन हो, आपको एन गिवन हो, तो आप उसके थ्रू पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर सकते हो। बस याद रखिएगा, नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन वन। अब आप सोचिए, ऐसा ये कंडीशन दी क्यों गई, इसलिए दी गई ये कंडीशन क्योंकि आप सोचो अगर आपका नंबर ग्रेटर देन वन नहीं होगा, जब आप यहाँ पे वन का स्क्वायर रखोगे, एन स्क्वायर टू जब वन रख दोगे, तो वन माइनस वन कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, समझ रहे हैं आप, तो ये ट्रिपलेट फॉर्म करेगा ही नहीं। इसी वजह से आपकी कंडीशन है कि जो आपको एन की वैल्यू लेनी है वो मस्ट बी ग्रेटर देन वन होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ये काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे हम समझते हैं। इफ थ्री नंबर्स फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अगर कोई भी तीन नंबर, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने देखा अपने सामने ही, कोई भी तीन नंबर अगर फॉर्म करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वी कैन ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, समझिएगा, अगर कोई भी तीन नंबर फॉर्म करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, सो वी कैन ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद इट्स साइड, हम इसके साइड के थ्रू राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल देखिए आपका कैसे ड्रॉ होता है, आप ऐसे तो ड्रॉ करते हो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इक्वल इन लेंथ विद इट्स साइड्स, इक्वल इन लेंथ टू द थ्री नंबर्स विद द लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। बहुत ही सही बात कही गई है, समझिएगा आप इस, अगर आपको कभी भी कोई भी तीन नंबर्स है जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं, मतलब इस कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो आप इन नंबर्स का राइट एंगल ट्रायंगल में ड्रॉ कर सकते हो इनकी लेंथ को, जिसमें आपको ध्यान रखना है जो लार्जेस्ट नंबर होगा, देखिए लार्जेस्ट नंबर होगा वो इक्वल टू द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, मतलब देखिए आप पांच है, अब ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है और ये आपका होता है परपेंडिकुलर, ये आपका होता है बेस, अभी मैंने आपको जस्ट बताया, तो उस अकॉर्डिंग ये जो फाइव होगा ये कहाँ आएगा, ये आपका यहाँ आएगा, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है और ये आपका लार्जेस्ट नंबर है। अगेन अब हम यहाँ देख सकते हैं थ्री और फोर है, आप चाहो तो थ्री को यहाँ रख लो, चाहो तो फोर को यहाँ रख लो, नो मैटर, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप थ्री को यहाँ भी रख सकते हो और फोर को यहाँ भी रख सकते हो, और फोर को यहाँ थ्री को यहाँ, दोनों चलेगा, बट ये जो हाइपोटेन्यूज है ये नहीं चेंज होना चाहिए, आपका जो लार्जेस्ट नंबर है वो आपका हाइपो पे ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि आप किस तरह पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज करके एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हो।
ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पे पूछूं कि क्या 4, 3, 5 जो तीन नंबर्स हैं क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए यस। क्यों? क्योंकि ये तीनों नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं, और अभी हमने पढ़ा कि जो नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे उससे हम राइट एंगल ट्रायंगल में ड्रॉ कर सकते हैं। ओके तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा, ये पूरा कंसेप्ट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। इस पे जो क्वेश्चंस की वैरायटी है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, ठीक है। आज हम सारे क्वेश्चंस को भी देखेंगे, इससे जितने पॉसिबल क्वेश्चन है मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। अभी हमने जस्ट किया ये फॉर्म करेंगे, अभी आपने देखा कि कैसे कर रहे हैं। देखिए आप इसमें देखिए फटाफट, 3 है 4 है 5 है, आपको पता है लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 5 है। तो हम इस कंडीशन में अगर रखेंगे एम स्क्वायर टू एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, तो देखिए लार्जेस्ट नंबर क्या है आपका, 5 का स्क्वायर। आपका कितना आ गया, आपका आर एच एस में आ गया 25 आ रहा है, और आपने क्या देखा एल एच एस में आपका क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। आपने इसे एज इट इज रखा, ये आपका क्या चल रहा है, ये आपका चल रहा है एल एच एस और ये आपका चल रहा है आर एच एस, ठीक है। अब देखिएगा अभी तो हम इसे इक्वल मान रहे हैं यहाँ पे, बट पता नहीं ये इक्वल आएगा नहीं, हम इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। अब देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इस अकॉर्डिंग आपका एल एच एस आ गया 25 और आर एच एस आ गया 25। तो आप कह सकते हो यहाँ पे सिंस एल एच एस जो है वो आर एच एस के इक्वल है, देखिए बोथ आर इक्वल, सो दे फॉर्म क्या, ये फॉर्म करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपके फॉर्म करेंगे। तो ये आपका हो गया आंसर। इसी तरह आपको 6, 7, 8 का भी बताना है, तो मैं क्या करूं, देखिए सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है आपका, 8। तो मैं p को कितना मान लूं, p को मैंने मान लिया 8। अब मैं पहले क्या करूंगी, अब देखिए ये आप मान लीजिए m, ये मान लीजिए n, आपने मान लिया m इक्वल टू 6 एंड n इक्वल टू 7। अब मैं सबसे पहले रखती हूँ r LHS में, LHS मेरा क्या है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो देखिए मैंने जब इसमें रखा तो 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, देन 7 का 49। अब जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 9 और 6 जब आप प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा 15, देन 4, 3, 7 आपका एक 8। तो आपको क्या मिला, ये आपको मिल गया LHS। अब मैं मूव करती हूँ RHS की ओर, तो आपको क्या दिखेगा, देखिए RHS आपका होता है पी स्क्वायर, इसका मतलब 8 का स्क्वायर, इसका मतलब आपका हो गया 64। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, ये तो आप देख रहे होंगे ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं फॉर्म कर रहा है, क्यों, सिंस आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिंस आपका यहाँ पे 85 जो है इज नॉट इक्वल टू 64। देखिए 85 आपका एल एच एस आया, आर एच एस आपका 64 आया, तो आप क्या बोलोगे, सो दे डू नॉट फॉर्म क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, ये आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं फॉर्म करेंगे। ओके तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम कैसे देखेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा कि ये फॉर्म नहीं कर रहा है, डू नॉट फॉर्म कर रहा है और ये आपका फॉर्म कर रहा था। तो इसी तरह आपके क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको चेक करना होता है कि कौन से 3 नंबर्स के पे हम आपके फॉर्म कर रहे हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट और कौन से नहीं कर रहे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो आज का है स्क्वायर ऑफ अ रेशनल नंबर एंड डेसिमल, ठीक है। हमें स्क्वायरिंग करना है रेशनल नंबर का और डेसिमल नंबर का। अभी तक जो हमने स्क्वायरिंग सीखी थी अपने पिछले लेक्चर्स में, उसमें हमने एक नॉर्मल नंबर का सीखा था, ठीक है, नेचुरल नंबर्स टाइप के नंबर्स थे उसके हमने स्क्वायरिंग सीखा था, उसके मैंने आपको कुछ ट्रिक्स भी बताए हैं। बट यहाँ पे अब आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का आपको करना है। तो इसको समझने के लिए पहले आपको जानना होगा रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको डीपली बता रखा है, आप मेरे वीडियोस में जाके देखिएगा, मेरे फर्स्ट लेक्चर में टोटली मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, पूरा इस पे वीडियो डाल रखा है, आप उसमें जरूर देखिएगा। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो आपके ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखे जा सके, जहां पे आपका बी इज नॉट इक्वल टू 0, समझ रहे हैं, यही आपके होते हैं रेशनल नंबर, जिसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो। अब यहाँ हम कैसे इसका स्क्वायरिंग करेंगे, द स्क्वायर ऑफ अ रेशनल नंबर क्या होगा, a अपॉन b, ये आपका रेशनल नंबर है, कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट इज a अपॉन b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अब ये अगर आपको याद हो तो ये एक्सपोनेंट लॉ की प्रॉपर्टी है। एक्सपोनेंट लॉ में हमने आपको पढ़ाया था कि अगर a अपॉन b का मैंने करा स्क्वायर, तो इसमें जो होता है ये न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर होता है एंड डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर होता है। ये आपको कहां से आया, ये आपका आया है एक्सपोनेंट लॉ से।
तो एक्सपोनेंट लॉ का भी मैंने लेक्चर डाल रखा है ऑलरेडी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। आप देख रहे होंगे कैसे सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे यूज पड़ रहे हैं। ओके, तो सारे चैप्टर्स आपस में रिलेटेड हैं, तो उन्हें जरूर देखिएगा ताकि आपको ये बेहतर समझ में आ पाए। अब देखिए, आपने यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ का यूज किया, उसी अकॉर्डिंग आपने से कर लिया ब्रेक, तो जो स्क्वायर हो गया रेशनल नंबर का वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसी तरह अगर हमें निकालना है स्क्वायर ऑफ अ डेसिमल, ठीक है, अगर आपको निकालना है स्क्वायर ऑफ अ डेसिमल कैन बी फाउंड बाय कन्वर्टिंग इट इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन। आप समझिएगा, जैसे अगर आपको इसका मैं अगर पहले के एग्जांपल आपको दे देती तो आपको क्लियर समझ में आएगा। मान लीजिए 3/4 है, इसका आपको फाइंड करना है स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, आप नॉर्मली करिए सबसे पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर और नीचे कर दीजिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर। मैंने क्या किया, आप देख रहे, मैंने कुल मिला के एक्सपोनेंट लॉ का ही तो रूल लगाया है, मैंने इसे ब्रेक कर दिया। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, आपका यह आंसर आ गया बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। उसी तरह अब आपको क्या बोल रहे हैं, आपको निकालना है स्क्वायर ऑफ अ डेसिमल। डेसिमल कैसे फाइंड करोगे, स्क्वायर ऑफ अ डेसिमल जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया कि आपको निकालना है 1.2 का स्क्वायर, आपको फाइंड करना है 1.2 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसके पॉइंट को हटा दीजिए, देखिए आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन। तो भाई 1.2 को मैं कैसे लिखूंगी उसके फ्रैक्शन में, मैं उसका पॉइंट रिमूव करूंगी, तो क्या आ जाएगा, जैसे मैं इसका पॉइंट रिमूव करूंगी तो देखिए नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका नॉर्मली, अब आपको दिख रहा है ना ये कैसा हो गया, ये पी बाई क्यू फॉर्म में हो गया, तो ये डेसिमल आपका पहुंच गया रेशनल नंबर में। अब हम देखिए, अब प्रॉपर्टी को यूज करके, यही प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और जो फाइनल आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो फाइनल आंसर आएगा उसे हम डेसिमल में देंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले आपको आपको करना होगा न्यूमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, देन 10 का स्क्वायर 100, हमने कर दिया। अब देखिए, अब जब इसे यहाँ पे पॉइंट को रिमूव करेंगे, ठीक है, जब हम इसे जीरो हटाएंगे तो हम ऊपर पॉइंट लगाएंगे, दो जीरो है तो ऊपर आपके दो प्लस के पीछे पॉइंट लग जाएगा, मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 1.44, ठीक है। तो जब डेसिमल में आपसे पूछेगा तो आपको इस तरह फाइनल आंसर देना है डेसिमल में। तो आपने देखा हमने इन दोनों को कैसे रिलेट कर दिया, हमने यूज तो किया डेसिमल का उठा के, लेकिन हमने इसे कन्वर्ट कर दिया रेशनल नंबर में और उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें प्रॉपर्टी लगा दी किसकी, एक्सपोनेंट लॉ की, और हमें बहुत ही इजीली हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं दोनों, जो कि स्क्वायर ऑफ अ रेशनल नंबर के हैं और डेसिमल्स के हैं, कि आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैंने सोचा ये टॉपिक लेके आपको समझाना जरूरी है, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ रहे होंगे सारे टॉपिक्स। अब हम कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जो कि अभी हमने पढ़ा, एंड स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर एंड डेसिमल नंबर। क्योंकि देखिए क्वेश्चंस करने से कंसेप्ट क्लियर होते हैं, मैथमेटिक्स में अगर आपको जीनियस बनना है तो आपको क्वेश्चंस का तो करने की आदत डालनी ही होगी, ठीक है। तो चलिए हम अपना देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, चेक इफ द 3 नंबर्स गिवन बिलो फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। अभी हमने देखा था ना हमारे एग्जाम्पल में कि हम कैसे चेक कर रहे थे कि कोई भी गिवन 3 नंबर्स फॉर्म कर रहे हैं या नहीं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो देखिए सबसे पहला पार्ट हम लेते हैं, इसमें क्या है, 40, 9, 41। तो आप क्या करोगे, सबसे लार्जेस्ट नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, 41, आप इसे तुरंत मान लीजिए p, p इज इक्वल टू 41। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट वही नंबर्स फॉलो करेंगे जो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, हमारा मान लीजिए ये m है, ये n है, आप m n कोई भी मान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको p वही मानना है जो कि लार्जेस्ट नंबर होगा। आप समझिए, अगर मैं m की जगह पुट कर दूं 40 का स्क्वायर, मैं यहाँ पे लेके चलती हूँ पहले LHS, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिया n की जगह 9 का स्क्वायर, अभी मेरा क्या आ गया, अगर आप सॉल्व करेंगे देखिए 4 4 जा, अब जब इसका स्क्वायरिंग करोगे 4 4 जा, पहले आप कर लीजिए 16, देन आप 2 जीरोज लगा दीजिए, ओके, प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो आपका फाइनल यहाँ पे क्या आएगा, आप इसे ऐड करोगे 1681, ये आपका आ गया LHS। अब हम करते हैं इसी का RHS, समझते हैं RHS में क्या कहता है। RHS है आपका P इक्वल टू आपका क्या है, 41, समझिएगा P इक्वल टू आपका है 41। तो मैं अब इसे क्या करूं, अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करती हूं, क्योंकि मुझे RHS में तो स्क्वायरिंग करना है, अब मान लीजिए आपको इसकी स्क्वायरिंग नहीं आ रही है,
तो मैंने आपको ऑलरेडी एक ट्रिक सिखा रखी है स्क्वायरिंग की, आप सबसे पहले करिए वंस का स्क्वायर, वन प्लेस पे जो है, तो वन का कितना जाएगा, वन स्क्वायर, इसे आप लिखोगे दो डिजिट में, ठीक है। अब फोर का स्क्वायर 16, अब हम इन सबको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फोर वन जा फोर, वन टू जा एट, समझ रहे हो, फोर वन जा फोर हो गया, फोर टू जा एट, तो आप इसे वंस प्लेस छोड़ के टेंस पे लिखोगे और फिर सम करोगे। अब देखिए आपको क्या आ जाएगा, 1681, तो इस अकॉर्डिंग आपका RHS आ गया 1681, जबकि आपका RHS भी आ रहा था 1681। इट मींस आप कह सकते हो कि सिंस आपका LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, दोनों इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा, सो दे फॉर्म क्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपके फॉर्म करेंगे। ओके, तो आपको ये समझ में आए होंगे कॉन्सेप्ट कैसे मैंने किया। तो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। अब हम करते हैं इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। हमारा सेकंड पार्ट कहता है 12, 6 और 13 का, हमको इन तीनों नंबर्स के निकालने हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, हमें पता करना है कि फॉर्म करेंगे यानी। हमारा नंबर्स क्या है, 12, हमारा जो नंबर्स है वो है 12, 6, 13। हमें इन नंबर्स का चेक करना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपके फॉर्म करेंगे यानी। सबसे पहले मैं इसमें क्या करूँ, मेरा जो ग्रेटर नंबर है वो क्या है, P इक्वल टू, मैं मान लूँ 13। देन आप देखिए जब हम LHS करेंगे तो क्या करेंगे, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो आप देख सकते हो एम मैंने ये मान लिया, एन मैंने ये, तो देखो आप 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो गया, 12 का स्क्वायर 144, देन 6 का स्क्वायर 36। अब मैं जब इन्हें ऐड करूंगी तो आप देखो 6 4 10 कर लिया, देन 8, देन 1, तो आप देख रहे हो इसे एडिशन करने पे कितना आ गया, 180, ठीक है, जब मैंने इसको ऐड किया तो मेरे को मिल गया 180। अब मैं करती हूँ पी का स्क्वायर, क्योंकि मेरा जो RHS है वो क्या है, RHS मेरा चल रहा है पी का स्क्वायर, जब मैं इसे सम अप करूंगी तो देखिए 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, मैंने पी की जगह 13 रखा, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे LHS जो है इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि आपका LHS आ रहा है 180 और RHS आ रहा है 169, तो आप एक कह सकते हो कि दे डू नॉट फॉर्म क्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये जो नंबर्स हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं फॉर्म करेंगे। ओके, तो अब हम कर लेते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट भी इसी के साथ साथ, तो इसलिए आपको ये मस्ट है चेक करना, और चेक करने का ये रूल सबसे इजी है, आप इसी के थ्रू कीजिएगा। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या था, 14, 47 एंड 50, ठीक है, हमारा जो नंबर्स थे वो क्या थे, 14, 47 एंड 50, तो अब हम जब इसे करेंगे तो उसमें लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या है, 50, तो हमने P का कर लिया स्क्वायर, ठीक है, हमने P से लेट करा, P का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर, इस अकॉर्डिंग आपका क्या आ गया, 25 एंड 2 जीरोस, तो ये आपका क्या है, ये आपका करा मैंने RHS। अब मैं करती हूँ LHS सॉल्व, LHS के लिए मैंने क्या किया, 14 का स्क्वायर, क्योंकि ये मेरा हो गया m, ये हो गया मेरा n, प्लस 47 का स्क्वायर, मैं आपको अभी भी कह रही हूँ आप mn कुछ भी मान सकते हैं, तो ये मत ध्यान रखिएगा कि आपको यही मानना है, ठीक है, क्योंकि आप एडिशन हो रहा है तो आप इसका ऑर्डर बदल सकते हो, क्यों, क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो घूम फिर के आप फिर से पहुंच गए अपने रेशनल नंबर पे, ठीक है, आप देख रहे हो सारे टॉपिक्स कितने कनेक्टेड हैं। तो अब हम करते, देखिए 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 प्लस 47 का स्क्वायर, अब 47 का स्क्वायर आपको नहीं आता तो आप इजीली कर सकते हो, देखो पहले आप ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या करोगे, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, अब हम जब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 4 टू जा 8, 8 सेवन जा 56, जब मैं इन्हें ऐड करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 9, देन 6 प्लस 4 10, देन 6 और 6 आपका हो जाएगा 12, देन आपका हो जाएगा 2, आपका क्या आ गया, 2209। अब जब मैं इसे एडअप करूंगी तो आप देखो क्या हो जाएगा, 6 और 9 आपका जाएगा 15, देन आपका आ गया 9 प्लस 1 10, देन 2 3 देन दिस, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अगेन आपका LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं आया, आप देखिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है, LHS RHS के इक्वल नहीं आया, तो आप कह सकते हो कि ये भी आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं फॉर्म कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, खाली आपका यही आपका फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आए होंगे सारे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रॉम पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन नंबर इज, हमें यहाँ पे फॉर्म करना है, यहाँ पे होगा आपका फॉर्म, आपको फॉर्म करना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच जो आपका वन नंबर है वो ये है,
ठीक है, अब समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या है। ये क्वेश्चन आपका काफी अच्छे क्वेश्चन है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने हर टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन लिए। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट देखो तो क्या लिखा है आपका, सिक्स। अब मैंने अभी आपको क्या बताया, आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करना है जिसमें आपका एक नंबर क्या गिवन है, सिक्स गिवन है। तो आपको मैंने अभी देखिए पिछले में अभी आपको मैंने बताया था, ये जो आपको मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था कि जो इसमें नंबर्स होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट में वो कौन कौन से होते हैं, 2n(n²-1)(n²+1), ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके थ्री नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट में उसमें आपको एक नंबर बता दिया है, ठीक है। थ्री नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक नंबर कितना बता दिया, तो 2n को बताया है ना, पूरा नंबर आपको कितना बता दिया, सिक्स, ठीक है। इस अकॉर्डिंग आप n निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, 6/2, दैट इज 2 1 2 2 3 6, आपका n कितना आ गया, आपका n आ गया 3। और आपको पता है ये जो नंबर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, पहला 2n होता है, दूसरा होता है n²-1, तीसरा होता है n²+1। तो अब जब मुझे ये n मिल गया है तो इस अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ मेरा पहला नंबर क्या आएगा, देखिए 2 3 6, जो कि गिवन था ऑलरेडी। अब मुझे निकालना है मेरा नेक्स्ट नंबर, तो मैं कैसे निकालू, मैं n²-1 फॉर्मूले में जब रखूंगी तो आप देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। देखो तो मैंने इसमें पुट करा 3 का स्क्वायर 9 एंड देन -1, मुझे क्या मिल गया, 8। इट मीन्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे मेरा नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 8। अब मुझे निकालना है मेरा थर्ड नंबर जो कि है n²+1, तो मैंने यहाँ पे रखा 3 का स्क्वायर +1, मुझे क्या मिल गया, 9+1, इट मीन्स मेरा यहाँ पे आ गया 10। तो आप क्या लिख सकते हो, 10। अब आप कह सकते हो जो ये नंबर्स है जो इससे ट्रिपलेट फॉर्म हुआ है, ये जो 6 से वो क्या क्या हुआ, 6, 8, 10, तो ये तीनों नंबर्स आपस में क्या फॉर्म कर रहे हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। आप ये बहुत इजीली कह सकते हो, अगर आपको उसकी प्रूविंग करना है तो आप ये बिगर नंबर का कीजिए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आपका 100, और आपका देखो यहाँ पे इन दोनों का जब आप स्क्वायर करके ऐड करोगे, देखिए 6 का आएगा 36, 8 का आएगा 64, 36+64 क्या हो जाएगा, ऐड अप करोगे देखो 100 आ जाएगा। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, सो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आपको गिवन रहेगा एक नंबर, आपको फाइंड करना रहेगा नेक्स्ट नंबर। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं अपना सेकेंड पार्ट के लिए। जब आपका सेकेंड पार्ट में गिवन है, आपको क्या गिवन है सेकेंड पार्ट में, 2n=12, ये मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि इसमें गिवन है कि जो आपका एक नंबर है वो कितना है, वो आपका 12 है, एक नंबर, तो इसके अकॉर्डिंग n कितना आ गया, 12/2, दैट इज 6, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो पहले n²-1 जो कि हो जाएगा 6 का स्क्वायर -1, तो कितना आ जाएगा, 36-1, दैट इज 35। अगेन हम करते हैं n²+1 जो कि हमारा हो जाएगा 6 का स्क्वायर +1, दैट इज 36+1 जो कि आपका हो गया 37। तो अब आप कह सकते हो जो आपके थ्री नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 2n(n²-1)(n²+1). अब आप तीनों नंबर्स को लिखिए, पहला नंबर आपका क्या है 12, दूसरा जो आपका आया है 35 और तीसरा आपका क्या है 37। तो ये जो नंबर्स हैं यही फॉर्म कर रहे हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ओके। अब हम देख लेते हैं हमारा थर्ड पार्ट क्या था, हमारे थर्ड पार्ट में था आपका जो थर्ड नंबर था वो था, जो थर्ड नंबर है वो कितना है आपका 28। तो इस अकॉर्डिंग हमारा n क्या आ गया, हमारा n आ गया 28/2, इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कितना आ गया हमारा n, 14। 14 जैसे आ गया तो आप कह सकते हो आपका जो एक नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n²-1, दैट इज 14 का स्क्वायर -1, दैट इज 196-1, दैट इज 195, ठीक है। अब देखिए अगर आपको सारे स्क्वायर्स लर्न होंगे 20 तक तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हो, ठीक है। बड़े नंबर्स के लिए आप तो लर्न नहीं कर सकते, तो आप ट्रिक ही यूज कीजिए, बट जो स्मॉल नंबर्स हैं तो उसको तो याद ही कर लीजिए। अब n²+1 क्या हो जाएगा आपका, 14 का स्क्वायर +1, और यहाँ पे आपका आ गया 196+1 जो कि आपका हो गया 197। तो आप कह सकते हो जो थ्री नंबर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, वो आपके होंगे सबसे पहले 28, दूसरा नंबर आपका हो गया 195, तीसरा नंबर हो गया 197। ये तीनों नंबर्स आपके फॉर्म करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ओके। अब हम कर लेते हैं अपना लास्ट पार्ट भी, जिसमें आपको फोर्थ जो मेंशन है वो है 30, ठीक है। 30 में आप देख लो फटाक से, इसको आप समझ जाओगे आप, 30 गिवन है, इट मीन्स आपका एक नंबर दिया हुआ है 30, इससे आप कह सकते हो आपका एन आ जाएगा 15, देखिए 30/2, तो आपने फटाफट बोला कि जो आपका पहला नंबर आएगा वो आप हो जाएगा 30, दूसरा नंबर n²-1, दैट इज 15 का स्क्वायर -1, दैट इज 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर आपका होता है 225, ठीक है। तो ये आपको लर्न होना चाहिए, देन -1, तो आपने क्या कर लिया,
2 to 4, अगर आपको नहीं भी आता तो आप ट्रिक से निकाल सकते हो। अगेन एन स्क्वायर प्लस 1, ये आपका क्या हो गया 15 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे मैं क्या ले सकती हूँ 2 to 5 प्लस 1, दैट इज आपका हो गया 2 to 6। अगर आपको 15 का स्क्वायर निकालने नहीं आ रहा है, इसके लिए मैंने बहुत ही सिंपल ट्रिक बताई है, जब नंबर्स के लास्ट में 5 हो तो क्या करो, 5 का स्क्वायर 25, और जो इसके टेंस पे डिजिट है उसमें एक कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, मतलब 1 लिखा है तो इसके एक ज्यादा क्या आता है 2, और दोनों को आपस में कर दो मल्टीप्लाई, दैट इज 2 1 2, देखो आपका आ गया स्क्वायर। ठीक है, बेस्ट ट्रिक है, आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अब आप देखिए यहाँ पे आपको नंबर्स क्या क्या मिल गया, आपको पहला नंबर मिल गया 30, दूसरा नंबर मिल गया 2 to 4, और तीसरा नंबर मिल गया 2 to 6, तो ये तीनों नंबर फॉर्म कर रहे हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा यहाँ पे ये भी क्वेश्चन जो है वो भी देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट से रिलेटेड है। अब समझिए इस क्वेश्चन को कैसे पूछा गया, चेक वेदर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वैल्यूज कैन रिप्रेजेंट द 3 सेट्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, आपको क्या बताना है कि जो 3 वैल्यूज दी हुई हैं क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रही हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्रायंगल को कौन रिप्रेजेंट करेगा, जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यही तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेगा। और अभी आपने ये चीज पढ़ी थी कि जो नंबर आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेगा, इफ 3 नंबर्स फॉर्म पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो वी कैन ड्रॉ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप देख रहे हैं वही कंसेप्ट आपका यहाँ पे यूज हो रहा है, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका यही कंसेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग सबसे पहले ढूंढिए आपका लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, p = 25, क्योंकि ये लार्जेस्ट नंबर है। तो इस अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ मेरा जो RHS आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, p का स्क्वायर, दैट इज 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका 625। ठीक है, 25 का स्क्वायर आपका हो गया 625। अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ पे फटाफट ट्रिक से लगा सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25, देन 2 है, 2 का एक सक्सेसिव 3, 2 3 जा 6। ठीक है, तो आपने देखा 625 बहुत इजीली आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने पी स्क्वायर निकाल लिया, अब LHS के लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे करूंगी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो देखिए आप एम स्क्वायर और आपका एन स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग हमारा आ गया 7 का स्क्वायर 49 एंड 24 का स्क्वायर आपका ये होता है 576। अब जब मैं इन दोनों को सम करूंगी तो देखिए मुझे मिल जाएगा 9 6 15 एंड देन 7 4 11 का एक आपका 12 एंड 10। तो आपने क्या देखा, देखिए आप ध्यान से, LHS कितना आया 625, RHS कितना आया 625। इट मीन्स ये इसे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप ये यहाँ मेंशन करोगे, ठीक है, क्या कि दे फॉर्म पाइथागोरियन ट्रिपलेट, सो दे रिप्रेजेंट क्या, दे रिप्रेजेंट राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये आपके जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। समझ रहे हैं आपने किस अकॉर्डिंग ये बोला, सबसे पहले आपने चेक किया कि क्या ये पाइथागोरस थ्योरम वाले को जो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है इसके रूल को फॉलो कर रहे हैं, यानी जब बोथ आपका इक्वल आया उस अकॉर्डिंग आपने कह दिया कि यस ये जो साइड्स हैं ये आपके फॉर्म करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब इसी तरह हम सेकंड पार्ट भी करते हैं, आपका सेकंड पार्ट है 12, 13, 25। चलिए हम इसे भी देख लेते हैं, आपके सेकंड पार्ट में गिवन है 12, 13, 25। हमें चेक करना है क्या ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल का साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप पी मान लोगे क्या, ग्रेटर वाला, तो क्या आ जाएगा, देखिए पी का स्क्वायर, ये आपका RHS चल रहा है जो कि जाएगा 25 का स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ गया 625। ये आपका कहाँ से आया है, ये आपका है RHS। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं आप लिखूंगी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जो कि मेरा क्या चलेगा LHS। तो मैंने करा 12 का स्क्वायर देन 13 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 144 प्लस 169। जब मैं इसे एड अप करूंगी तो आप देखो क्या आ जाएगा, 9 और 4 जब मैं प्लस करूंगी, देखिए 9 4 आपका हो गया 13, 6 4 10, 10 का 11 एंड देन आपका आ गया 313, आपका आ गया 313। तो इस अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं ये तो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं फॉर्म कर रहा है। देखिए सिंस आप क्या बताओगे, सिंस LHS जो है इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है, सो दे क्या डू नॉट फॉर्म, ये फॉर्म नहीं करेंगे क्या चीज, पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
जब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही नहीं फॉर्म करेंगे तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, ठीक है। सो दे डू नॉट फॉर्म क्या राइट एंगल ट्रायंगल, ये साइड हो ही नहीं सकते राइट एंगल ट्रायंगल के, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किए, दैट इज एम स्क्वायर इक्वल प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, इस वजह से ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं, देखिए आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका फॉर्म कर रहे हैं। अब थर्ड पार्ट भी देख लीजिए, थर्ड पार्ट क्या है आपका 6, 8, 12, आप कर सकते हो। यहाँ पे आपका थर्ड पार्ट क्या है, देखिए 6, 8, 12, जो लार्जेस्ट नंबर है पी है, ठीक है, मतलब पी आपका कितना है 12 है। इस अकॉर्डिंग पी जैसे आपने 12 लिया, इस अकॉर्डिंग आपको क्या दिख रहा है, आपका पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा 12 का स्क्वायर, दैट इज 144। अब मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जो कि मेरा आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट इज 6 6 36 एंड 8 8 64। जब आप इन दोनों को एड अप करोगे तो आपका आ जाएगा 100। तो अगेन आप कह सकते हो नो, आपका पी स्क्वायर जो है वो एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर के इक्वल नहीं है, तो ये भी आपका डू नॉट फॉर्म, ठीक है। इसका भी आपका सेम रीजन हो जाएगा जो अभी हमने यहाँ पे आपको मेंशन किया, क्योंकि एलएचएस आरएचएस इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो पाइथागोरस जो आपका ट्रिपलेट है वो नहीं फॉर्म करेंगे। जब ट्रिपलेट ही नहीं फॉर्म करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल तो बात ही नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बता रखा है कि जब तक पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं फॉर्म करेंगे तब तक आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। अब आपको कुछ रेशनल नंबर्स गिवन है यहाँ पे और डेसिमल नंबर गिवन है, आपको उसका स्क्वायरिंग फाइंड करना है, ठीक है। तो हम चलिए इसे करते हैं। स्क्वायरिंग हम कैसे करेंगे, हमारा सबसे पहला पार्ट में क्या है, हमें फाइंड करना है 12/17, हमें इसका फाइंड करना है स्क्वायर। तो अभी हमने आपको क्या सिखाया था, एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग आप पहले करोगे न्यूमरेटर का स्क्वायर एंड देन करोगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 एंड 17 का स्क्वायर 289, यही आपका हो गया कंप्लीट आंसर, बस कितना ही सिंपल सा आप देख सकते हैं। अगेन हम यहाँ पे करते हैं, हमें करना है -23 और अपॉन 15, हमें इसका करना है होल स्क्वायर। सबसे पहले हमें करना होगा, सबसे पहले देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे नेगेटिव साइन है और नेगेटिव साइन का स्क्वायर पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देखो माइनस माइनस आप इसे 2 टाइम्स तो लिखोगे, इसे अच्छे से हम समझ लेते हैं। देखिए -15 -23/15 -23/15। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस आप लगाओ चाहे मत लगाओ, इसी वजह से यहाँ पे माइनस साइन हट चुका है। अब देखिए 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर अगर आपको नहीं याद है तो आप यहाँ पे साइड में कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 23 का स्क्वायर आपका होता है 529, बट हम कर लेते हैं इसे ट्रिक के अकॉर्डिंग, पहले कर लीजिए 3 का स्क्वायर तो 9, फिर हम करते हैं 2 का स्क्वायर तो 4। अब देखिए सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 6 6 2 12, तो देखो आपका जब एडअप करोगे तो आ जाएगा 529। तो आप क्या लिखोगे ऊपर 529, देखिए मैंने पॉजिटिव में लिखा, अपॉन 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करने का जाएगा 15 का 225, इस अकॉर्डिंग आपका ये आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल सा था। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं 11.2, ठीक है, हमें 11.2 को करना है सॉल्व। तो अब देखिए मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगी, आपको यहाँ पे निकालना होगा इसका स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे देखो 11 लिखा है 2 लिखोगे, पॉइंट को हटा दोगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर है। अब आपको करना है इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करने के लिए पहले आपको करना पड़ेगा 11, ठीक है, 11 और 2 का मतलब 112 का स्क्वायर। तो 112 का आप स्क्वायर कैसे निकालोगे, रुकिए रुकिए मैं आपको यहाँ पे इसको अच्छे से समझाती हूँ, ब्लैंक स्लाइड लेके, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए आपको करना है 112 का स्क्वायर, समझते हैं। देखिए जब आपको 112 का स्क्वायर करना है तो आप इसे मान लो वंस और इसे मान लो पूरा, हमें ट्रिक वही लगानी है। देखिएगा 2 का क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 04। अब ये जो नंबर है, अभी तक तो हमारे पास सिंगल नंबर थे तो हम उसे सिंगल कर रहे थे स्क्वायरिंग, अभी जो आपके पास वंस और टेंस दोनों प्लेस पे आए ना, आप इसे एक साथ गैदर कर लो, कितना हो गया 11। अब बताइए 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, ठीक है। अब मैं इन सबको करूंगी मल्टीप्लीकेशन, मीन्स मैं करूंगी 11 को, 1 नहीं यहाँ पे कंसिडर करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे 11 का करा है ना, 11 × 2 × 2, तो क्या आ जाएगा, देखिए 11 × 2 = 22, 22 × 2 = 40। अब मैं क्या करूंगी, देखिए वन स्पेस को छोड़ के लिखूंगी 44 और इन सबको कर दूंगी समअप, तो मेरा क्या आ जाएगा 4, देन 4, देन 4 + 1 = 5, देन 1, 2,
ठीक है, तो आपने क्या देखा, इसका स्क्वायर क्या आया, 12544। हमारा क्या आ गया स्क्वायर, देखो आप क्या आ गया, 12544 हमारे यही तो आया स्क्वायर। और हमारे नीचे क्या चल रहा है, देखिए 10 का स्क्वायर 100। अब आप बताओ, मैंने आपको बताया था ना इसके आंसर आपको डेसिमल में ही देने हैं, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट जीरो को रिमूव करिए और ऊपर से 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दीजिए, तो आपका क्या आ गया 125.44। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो बड़े नंबर देके डरिएगा नहीं, इसका भी तरीका वही है आपका ट्रिक के अकॉर्डिंग करने का, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये आपका 11 बन जाएगा ना कि 1। ठीक है, अब अगेन हम यहाँ पे कर लेते हैं अपना फोर्थ वाला पार्ट भी साथ साथ सॉल्व। देखिए फोर्थ में कह रहा है आपका 5.6, तो आपने जैसे पॉइंट रिमूव किया आपका आ गया नीचे 10, इतना तो आपने कर ही लिया होगा। अब आपको क्या करना है, 56 का स्क्वायर, तो आप कैसे करोगे, देखिए 56 का स्क्वायर के लिए आप वही ट्रिक लगा लीजिए, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। अब हम तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो देखिए 5 6 30, 32 60, हमने जब यहाँ लिख के एडअप किया तो हमें मिल गया 6, देन 3, और 6 प्लस 5 कितना हो गया 11, आपको मिल गया 3। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ से देखिए 3136, और अपॉन में क्या चल रहा है हमारा 100। अब जब आप इस जीरोस को हटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 31.36, यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, क्योंकि आपको आंसर्स पॉइंट में देने होंगे। मैंने आपको भी वहां पे आपको स्लाइड्स में दिखा रखा था, मेंशन कराया था कि डेसिमल वाले का आप स्क्वायरिंग कैसे करोगे। सो फ्रेंड्स, ये रहे आज का हमारा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, हमने आज दो टॉपिक को डिस्कस किया जो कि थे पाइथागोरियन ट्रिपलेट और हम कैसे फॉर्म करेंगे स्क्वायर ऑफ अ रेशनल नंबर एंड डेसिमल नंबर। ठीक है, हमने इस टॉपिक को समझा है, इस पे काफी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो सके। जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे इन टॉपिक से मैंने आपको सारे बता दिए हैं, तो होप्स आपको समझ में आ रहे होंगे। और आप प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाके पिछले लेक्चर जरूर देख लें, क्योंकि उसे बिना देखे आपको इसके जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आए होंगे, क्योंकि मैंने ट्रिक्स वगैरह ऑलरेडी अपने वीडियोस में बता रखा है, तो वहां से उसे जरूर देखें। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लेके आऊंगी स्क्वायर रूट के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, स्क्वायर रूट का हम डिस्कशन करेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, क्या उसका तरीका होता है, कितने मेथड्स होते हैं, हर एक मेथड को हम डीप में डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, क्वेश्चंस आप कर रहे होंगे तो आपको भी लग रहा होगा कि आपको ज्यादा समझ में आ रहा है। ठीक है, और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आप चाहे तो मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड येस, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF की लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, जहाँ से आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, ओके, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एंड यस, टेलीग्राम पे मैं कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रही हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए अच्छे रहेंगे, आपको एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे।